आसाराम बापू का प्रकरण है, 9 साल से उनको अंदर रखा है, एक दिन की बेल नहीं दी गई, 85 ईयर्स ओल्ड हार्ट के पेशेंट है, उन्होंने आयुर्वेदिक का प्रचार किया, उनको एलोपैथिक की बात की जा रही है। बहुत ठीक है, प्रश्नों का आपने कर दिया, उसका उत्तर ठीक है उर्त में देना पड़ेगा, मैं देना नहीं चाहूँगा क्योंकि आज के समय में सत्य को कहना भी अपराध माना जाता है, इसलिए जहाँ सत्य को कहना अपराध माना जाता है। आप लोग टीके प्रश्न कर देते हो, टीके उत्तर देने पड़ते, परंतु बचकर उत्तर देना पड़ता है। कल जैसे आपने कहा साधु महात्मा के पास, कल मेरे ऊपर कोई आपत्ति उठ गया, तो इसीलिए ना आप बचाओगे ना कोई कहोगे, आपका ये जो कैमरा और वही तो बताएगा ना, पर इसको भी देखना कोई नहीं चाहेगा, वो कहेगा प्रखर जी महाराज ने कहा। क्यों, अभी कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में एक मौलवी ने जब रेप किया और कतिपय एक नहीं अनेकों के साथ वो उजागर हुआ, उन मीडिया कर्मी को भी मार दिए गए और आज तक उसका ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज जब कोई साधु महात्मा को ऊपर लांछन लगाते हैं, साधु महात्मा देश के हित के लिए काम करते हैं, सनातन सभ्यता संस्कृति के लिए काम करते हैं, ये बर्दाश्त नहीं है। आज सनातन सभ्यता सुरक्षित रहे, हिंदू सभ्यता सुरक्षित रहे, जो हिंदू सभ्यता मानव मात्र को समानता का पाठ पढ़ाता है, सबको जीने का अधिकार देता है, ये नहीं हम दूसरा देश की तरफ किसी मजहब में विश्वास रख करके हम कहते हैं सबको ख़त्म कर दो हमारा ही मजहब सुरक्षित रहेगा, हम कहते मुसलमान भी सुरक्षित रहे, ईसाई भी सुरक्षित रहे, सब सुरक्षित रहे, पर तो अभी सुरक्षित रहे तो हमको भी सुरक्षित रहने का राइट है ना, फंडामेंटल राइट है, इस राइट को हम खोजना चाहते हैं, इस राइट पर हम जीना चाहते हैं, हम किसी का ऊपर अंगुली नहीं उठाते, परंतु हमको जीने का राइट है, इस राइट को दिया जावे, इस राइट को खंडित नहीं किया जावे, यही हमारा गुजारिश है। और यही कोर्ट से हम कहते हैं, यही प्रशासन पुलिस प्रशासन से कहते हैं, यही अन्य जो इससे संबंधित लोग हैं उनसे कहते हैं, यदि इस प्रकार का घटनाक्रम सामने आता है, ये कोई साजिश तो नहीं है, इस बात को अच्छी तरफ देखनी चाहिए, क्या पुलिस के द्वारा साजिश, पुलिस प्रशासन के ऊपर नाना प्रकार का अंगुली उठती है, क्या पुलिस प्रशासन इस प्रकार के हथकंडा अपना करके कोई गलत काम नहीं कर सकता है, तो आपने कैसे सत्य मान लिया, उस लड़की की बात सुनते ही आपने कैसे केस को यो कर दिया, बना दिया, पहले तदन तो करिए और फिर केस करिए। देखिए कानून कहता है, हजारों निर्दोष, एक भी निर्दोष को दंडित नहीं किया जावे, चाहे दूसरी व्यक्ति छूट जाए, निर्दोष व्यक्ति को दंडित नहीं करते, आपके कानून हैं, भारत के संविधान हैं, तो ऐसे स्थिति में निर्दोष को आप दंडित कर रहे हो और दूसरी व्यक्ति आपके यहाँ गई एक मर्डरर उठाई गिर एमपी बन करके घूमता था 3 साल तक पंजाब के जेल में, केवल अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षित होकर के वहाँ रहा, उदाहरण क्या दलील क्या दिया गया, अशस्त्र है जी, तो अशस्त्र होकर क्या यूपी सरकार उसके इलाज नहीं करा सकता था, आज उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा और जा करके उस भयंकर खतरनाक जो व्यक्ति है, हिंदुस्तान का सबसे खतरनाक व्यक्ति है, सफ़ेद पोश नेता के आड़ में, नेतागिरी भी एक बहुत बढ़िया अच्छा संसाधन है, अपनी कमियों को छुपाने के लिए यदि एमपी एमएलए बन जाते हैं तो उसके सब कमियां छुप जाती हैं। तो आप वो आए श्रीमान जी, साधु वो सज्जन है वो बलात्कार क्यों करेगा, परंतु देखिए समाज में आज पाश्चात्य देश और पाश्चात्य लोग, पाश्चात्य प्रोपेगेंडा चक्रों इतने हावी हैं, उन देशों से रुपया आ रहा है, रुपया आकर के कतिपय वामपंथी लोगों को इस प्रकार के फंडिंग किए जाते हैं और फंडिंग करके कोई लड़कियों को तैयार किए जाते हैं और कोर्ट ऐसे ऐसे बेवकूफ की तरफ, इसको यद्यपि कोर्ट को बेवकूफ कहना मेरे लिए अनुचित होगा, परंतु कोर्ट ना समझी में सोचे विचारे के बिना जब तक उसको 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 यह साबित नहीं होती, वो भाग करके तो जा नहीं रहा है, उसको यो किए बिना उसको कोर्ट में ढाल दिए जाते हैं और उस लड़की जो कह रही है उसका किसी प्रकार का जांच पड़ताल होती नहीं, उसका बात को दलील को सत्य मान लिए जाते हैं, कल कोई भी किसी का ऊपर कहते हैं और कहाँ गया है, तो ऐसे स्थिति में जब ये परंपरा ये इस प्रकार की स्थिति रुकेगी नहीं, तब तक सनातन धर्म विखंडित करने के लिए ये जो षड्यंत्र चल रहा है ये तो चलता ही रहेगा। जी एक बार देखिए, ये गेट है, यहाँ पर नाबालिग बच्ची आए और बस इतना बोल दे कि वो गेट था इतने बजे महाराज जी ने मेरे स्त्रों में देखा, और वो जाके एफआईआर करवा दे, उसके ऊपर पॉस्को एक्ट लग जाएगा,
और आपको आजीवन कारावास सजा हो जाएगी। उसके लिए आपको खुद प्रमाणित करना पड़ेगा, लेकिन आपको बेल नहीं दी जाएगी। अब आप कहाँ से सर्टिफिकेट लाओगे कि लड़की का मेडिकल टेस्ट करो उसका, कहाँ से सर्टिफिकेट लाओगे कि आपको उस लड़की ने नहीं देखा? यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा तो लगा नहीं है। देखिए प्रोपोगंडा जो होते हैं, देखिए स्वामी जी, ये जैसे एक महात्मा को दोषी साबित किया गया एक कहने मात्र से, तो मेडिकल टेस्ट तुरंत कराओ ना। साथ साथ जब आपके पास वैज्ञानिक साधन संसाधन है, आप मेडिकल टेस्ट कराओ। उस समय क्या होता है, हिंदुस्तान के मीडिया भी उसके पीछे इस प्रकार से पड़ जाते हैं जैसे वो सारे पाप उस व्यक्ति ने ही कर लिया। और जो लड़की कह रही है